नमस्कार, आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। शनिवार व्रत कथा। एक समय में स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर नौ ग्रहों में वाद विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ा कि आपस में भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुने इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। उज्जैनी पहुंचकर जब देवताओं ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वे भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहे के नौ आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर एक महीने, चंद्रमा सवा दो दिन, मंगलवार डेढ़ महीने, बुधवार और शुक्रवार एक महीने, बृहस्पतिवार 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने को भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया तो वे खुद आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए वे बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहाँ राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उसे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चला गया। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट कर उसे सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हे पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हांकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य में मल्हार गा रहा था, तभी नगर की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुना तो उसे अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया।
राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपन राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब भी बात कही तो वे हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की है, शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कहा, राजन मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्य घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्णाभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।